नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। हलाली बांध के पंप हाउस की मोटरें जल जाने के कारण रायसेन के लोगों को पानी की काफी ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। वहीं अभी तक ये दोनों ही मोटर सही होकर भोपाल से नहीं आ पाई हैं, जिसके बाद दूसरे दिन भी रायसेन शहर में पानी की सप्लाई बंद रही। नवरात्रि में पूजा पाठ से लेकर लोगों की दिनचर्या तक प्रभावित हुई, तो नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। शहर में एक दिन छोड़कर ट्यूबवेलों से पानी सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है और बताया जाता है कि मोटरों की वायरिंग को फिर से बदलना पड़ेगा। यहां पर लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि पूरा नवरात्र हमारा ऐसे ही निकल गया, जहां पर हमें पानी की खासी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं और इसके बाद दोबारा से फिर पानी की समस्या हो गई है। वहीं लोगों की पूजा पाठ के साथ साथ दिनचर्या भी काफी ज्यादा प्रभावित हो गई है और ऐसी स्थिति में पूजा पाठ शुरू करने से पहले उन्हें पानी की व्यवस्था करने में काफी ज्यादा परेशानियां भी हो रही हैं। आपको बता दें, नवरात्रि में ही दो बार यहां पर पानी सप्लाई बंद हो गया है और जब नगरपालिका को इसे जल्द से जल्द ठीक कराने के लिए कहा गया तो उसमें भी नगरपालिका प्रशासन काफी ज्यादा देरी लगा रही है और अभी तक मोटरें भोपाल से सुधर कर नहीं आ पाई हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें जीवी न्यूज़ में।